तो ये है खंभात का आखात, और आप जो अभी देख रहे हैं ये है भर्ती से पहले का नज़ारा। अभी जैसे जैसे पानी बढ़ेगा उसके बाद का नज़ारा मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये है भर्ती के बाद का नज़ारा। तो देखिए कितना पानी आ गया है, पूरा मंदिर डूबने लगा है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम आए हैं कावी कम्बोई, जहां पर है श्री स्तंभेश्वर महादेव जी का मंदिर। कावी कम्बोई जो कि भरूच जिला के जम्बूसर तालुका में आया हुआ है और जम्बूसर से करीब 27 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर हमारी बात करें तो हम पादरा से निकले थे तो हमें करीबन 66 किलोमीटर जितना यहाँ पर ट्रैवलिंग करना पड़ा है। अगर आप वडोदरा से आना चाहते हो तो वडोदरा से 78 किलोमीटर करीब आपको ट्रैवलिंग करना पड़ेगा। श्री स्तंभेश्वर महादेव मंदिर जो कि कावी कम्बोई और समुद्र के किनारे आया हुआ है, ये पहला ऐसा मंदिर है जो दिन में दो बार पानी में जलमग्न हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो समुद्र है वो यहाँ पर भगवान शिव को दो बार जल अभिषेक करते हैं। तो चलिए चलते हैं और भगवान के दर्शन। तो ये है भगवान श्री स्तंभेश्वर महादेव जी का मंदिर, चलिए चलते हैं अंदर और दर्शन करते हैं। तो ये मंदिर के अंदर हम आ चुके हैं और यहाँ पर ऐसे कुछ शेड लगा हुआ है, ये कुछ सीढ़ियाँ है जो हमें यहाँ से जानी होगी। तो यहाँ पर है भगवान श्री स्तंभेश्वर महादेव जी। तो ये कुछ नज़ारा है यहाँ का, जो गुम्बद हमने बाहर से देखा था ये इसका अंदर से नज़ारा है यहाँ पर। जो बाहर से मैंने अभी आपको दिखाया था वो गुम्बद का नज़ारा अंदर से यहाँ पर, ये पूरा जलमग्न हो जाता है। कई कई बार ऐसा कहा जाता है कि ऊपर तक पानी आ जाता है। तो एक और यहाँ पर मंदिर है जहाँ पर हमें यहाँ से जाना है सीढ़ियाँ चढ़कर। एक और यहाँ पर जो मंदिर है जहाँ पर हमें सीढ़ियाँ चढ़ के आना है, ये नंदी महाराज, जहाँ पर भगवान शिव होते हैं वहाँ पर नंदी महाराज भी होते ही है। तो ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर है नंदी महाराज। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ लगाई गई है, ये जो फ़ोटोज़ है वो पहले मंदिर कैसा दिखता था उसकी है, उसके बाद थोड़ा काम करके ऐसा बनाया गया था और अभी के वक्त में तो काफ़ी बड़ा मंदिर बन चुका है। आप देख सकते हैं ये वाला जो नज़ारा है आपको अमावस के दिन यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये पूरा मंदिर पानी में डूब जाता है। हालांकि भर्ती रोज आती है और रोज़ ये मंदिर पानी में डूब जाता है, लेकिन अमावस के दिन ऐसे पूरा ये मंदिर पानी में डूब जाता है, जलमग्न हो जाता है। तो कुछ इस तरीके का नज़ारा है। और यहाँ पर दोपहर को जब हम आए तो खाना यहाँ पर फ्री में था ऊपर मंदिर की ओर से। यहाँ पर रोज़ाना ऐसा भंडारा चलता है और
जो खाना है वो फ्री में मंदिर की ओर से सभी भावी भक्तों के लिए दिया जाता है। तो अगर आप आते हो तो खाने की यहाँ पर पूरी व्यवस्था है। ये जो आप देख रहे हैं अमावस के दिन और पूर्णिमा के दिन, ऐसे यहाँ पर पूरी जनमेदनी हजारों भक्त यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। तो अमावस और पूर्णिमा के दिन यहाँ पर कुछ इस तरीके का माहौल होता है जो आप इस फोटो में देख रहे हैं। ऐसा ही माहौल, ऐसे ही भीड़ यहाँ पर पूरी तरीके से आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। तो चलिए फाइनली अब हम आ चुके हैं बाहर और आप ये देख रहे हैं यहाँ की छोटी सी मार्केट, जहाँ पर आपको ऐसी चीज़ें मिल जाएगी। काफ़ी सारे ऐसे छोटे छोटे स्टॉल लगे हैं जहाँ पर कुछ नाश्ते की चीज़ें मिल जाएगी आपको। गन्ने का जूस मिल जाएगा, आइस मिल जाएगी यहाँ पर, आइस डिश मिल जाएगी, बर्फ़ गोला, काफ़ी सारी ऐसी छोटी छोटी स्टॉल लगी हुई है जहाँ पर आपको खाने पीने की चीज़ें यहाँ पर अलग अलग वेराइटीज़ में मिल जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर आप घुड़सवारी कर सकते हैं और भी कई चीज़ें हैं यहाँ पर करने के लिए। तो काफ़ी सुंदर प्लेस है। और हाँ, यहाँ पर कावी का हलवा काफ़ी फेमस है, तो अगर आप आते हो तो लेना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। काफ़ी सारे लोग यहाँ से लेकर जाते हैं और बहुत ही फेमस है, तो आप आओ तो लेना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए अब चलते हैं, मैं करूँगा यहाँ से घुड़सवारी जाके। भाई हमने तो कर ली है एटीवी बाइक की राइड और मैं सच बता रहा हूँ, मुझे तो काफ़ी मज़ा आ गया। और अभी आप ये देख रहे हैं मछली पकड़ने वाली बोट, तो पानी धीरे धीरे अभी बढ़ रहा है, तो ये जो बोट है यहाँ तक, इससे आगे तक आ जाएगा और ये जो बोट है वो पूरी पानी में चली जाएगी और फिर से ये लोग यहाँ से मछली पकड़ने के लिए इस बोट को लेकर निकल जाएंगे। आप देख सकते हैं ये मछली पकड़ने वाली बोट है। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे कुछ न्यू सब्सक्राइबर मिल गए हैं, हमारी यूट्यूब फैमिली के ये न्यू मेंबर है जिन्होंने हमारे चैनल को अभी अभी सब्सक्राइब किया है। तो हम इनसे मिलते हैं, फिर मैं आपको यहाँ से ले जा के दिखाने वाला हूँ, जो अभी भर्ती हो रही है, पानी बढ़ रहा है, वो आपको दिखाने के लिए लेकर जाने वाला हूँ। जब हम आए थे तो पानी काफ़ी दूर था और अभी मैं आपको दिखाऊँगा कि कितना नज़दीक आ चुका है। तो चलिए अभी हम चलते हैं यहाँ से देखने के लिए बढ़ती। तो दोस्तों देखिए, जब हम आए थे तब पानी कहाँ था और अभी बढ़ती शुरू हो गई है। 1:40 को बढ़ती शुरू हो गई थी और अभी 3 बजे है और 3 बजे तक आप पानी देख सकते हैं कितना बढ़ चुका है। ये पूरा मंदिर में आ गया है, मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पर ले जाके।
तो आप देख सकते हैं जहाँ पर हम दर्शन के लिए गए थे वो पूरा अभी पानी में चला गया है, पानी में डूब चुका है। तो चलिए बढ़ती हमने देख ली है, पानी कैसे आ रहा वो भी मैंने आपको दिखाया। अब यहाँ से हम जाएंगे ऊपर क्योंकि हमें मिलना है जो यहाँ के करता हरता है, जो बाप जी है उनसे, और उनसे जानेंगे हम मंदिर के इतिहास के बारे में। यहाँ पर रूम्स भी अवेलेबल है, तो अगर आप रुकना चाहते हैं तो यहाँ पर आप आके इंक्वायरी कर लेना, यहाँ पर रूम अवेलेबल है। और साथ ही में यहाँ पर सामने कावी का जो हलवा मैंने बोला था वो भी यहाँ पर मिल रहा है। तो चलिए मैं आपको प्राइस वहाँ पर जाके दिखाता हूँ कि कितनी प्राइस में आपको मिल जाएगा, तो पूछते हैं उनसे पहले। क्या रेट है ये? 320 रुपये किलो है। तो दोस्तों अभी हम है कावी कम्बोई, और अभी फ़िलहाल हम मंदिर के इतिहास के बारे में जानेंगे जो यहाँ के करता हरता है उनसे। तो खुद उनके स्वमुख से मैं आपको यहाँ के जो इतिहास है उसके बारे में उनसे ही कहूँगा कि आप सबको बताए कि यहाँ का इतिहास क्या है और यहाँ पर आप दर्शन के लिए कब कब आ सकते हो। तो चलिए जानते हैं उनके स्वमुख से इस मंदिर के पूरे इतिहास के बारे में। यह स्थान भरूच जिला के जम्बूसर तालुका में आया हुआ है। यहाँ पर नौ नदी का संगम होता है। अहमदाबाद से लेकर के बड़ौदा तक जितनी भी नदियाँ हैं वो इसी महीसागर संगम तीर्थ में आकर के मिलती हैं। यहाँ से उत्तर दिशा के अंदर उत्तर में जो है खम्भात शहर है, और दक्षिण में जिसको हम लोग कावी स्तंभेश्वर महादेव कहते हैं वह स्तंभेश्वर महादेव का शिवलिंग आया हुआ है। यह शिवलिंग आज से लाखों करोड़ों साल पुराना है। भारतवर्ष में मुख्य जो है भारत के नौ मंदिर आते हैं, उन नौ मंदिरों में से एक ये स्तंभेश्वर महादेव है। यहाँ का इतिहास ऐसा है कि लाखों साल पहले जब यहाँ पर तारकासुर का वध किया गया था, तारकासुर जो है इतना बलवान था कि उसके साथ युद्ध में भगवान विष्णु भी पराजित हो गए थे। इतना बड़ा बलवान राक्षस का वध भगवान कार्तिकेय ने इसी जगह पर किया था। जहाँ पर इसका वध हुआ वहाँ पर प्रतिज्ञेश्वर महादेव की स्थापना हुई। यहाँ पर आज जो स्तंभेश्वर महादेव के नाम से हम लोग सब जानते हैं, यहाँ पर सभी देवताओं ने मिलकर के यहाँ पर विजय उत्सव मनाया था। जहाँ पर विजय उत्सव मनाया था वही उसी जगह पर एक विश्वनंदक नामक स्तंभ की स्थापना की गई। उसी स्तंभ के ऊपर भगवान स्तंभेश्वर महादेव शिवलिंग स्थापित किया गया, ऐसा इसका महत्व है। उसके बाद में भगवान नारद जी ने यहाँ 10,000 साल तपस्या किया। भगवान कपिल मुनि ने भी यहाँ हजारों साल तप किया। उसके बाद में जो बर्बरीक है आज पूरी दुनिया में जिनको खाटू श्याम के नाम से पूजा करते हैं, उन्होंने भी इसी जगह तपस्या किया था, और यहीं स्तंभेश्वर महादेव के आशीर्वाद से उन्होंने सिद्धि प्राप्त की थी। ऐसे बहुत से इतिहास ही स्तंभेश्वर महादेव मंदिर के साथ जुड़े हुए हैं। अर्जुन ने भी यहाँ पर आकर के पूजा किया था, भगवान कृष्ण भी यहाँ पर भगवान स्तंभेश्वर महादेव की पूजा करने आते थे। ये पूरा इतिहास स्कंद महापुराण के कुमारिका खंड में 550 पेज में लिखा हुआ है। आप लोग यहाँ पर महाशिवरात्रि का मेला लगता है, यहाँ श्रावण महीना में एक महीना मेला चलता है। हर अमावस्या पर भी यहाँ हजारों लोग दर्शन करने आते हैं। जिस किसी भी भक्त की मनोकामना है स्तंभेश्वर महादेव पूरी करते हैं, ऐसा ये चमत्कारिक भगवान स्तंभेश्वर महादेव का मंदिर है। तो दोस्तों ये था पूरा मंदिर का इतिहास जो हमें यहाँ के जो मंदिर के करता हरता है, यहाँ के बाप जी है, उनके स्वमुख से जानने को मिला, जो कि हमारा सौभाग्य है। तो मैंने इस पूरे वीडियो में आपको श्री स्तंभेश्वर महादेव जी के दर्शन कराए, साथ ही साथ यहाँ पर जो भर्ती आती है वो भी मैंने दिखाई, और जो मंदिर का पूरा इतिहास था वो भी मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया। आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं यहाँ पर रहने की भी व्यवस्था है, साथ ही साथ यहाँ पे अन्नपूर्णा प्रसाद करके है, तो आप यहाँ पर प्रसाद भी ले सकते हैं। और यहाँ पर जो भोजन मिलता है दोपहर को और शाम को वो मंदिर की तरफ से बिल्कुल भी फ्री में होता है। आई होप सो कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी जानकारी दी वो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।